राजगढ़ जिले के नगर पचोर में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय संगठन की जिला बैठक संपन्न। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में आज जिले भर के अधिकारी कर्मचारी साथियों ने एकजुट होकर कार्यकारिणी का विस्तार किया। वही 9 फरवरी भोपाल राजधानी स्तर पर प्रदेश सम्मेलन होगा, जिसकी रणनीति भी सभी ने मिलकर तैयार की। सम्मेलन में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु व प्रदेश अध्यक्ष परमानंद बहरिया व प्रांत प्रमुख शिल्पी शिवान सहित अन्य प्रदेश अध्यक्षों का मावड़ा होगा। इसकी पूर्व तैयारी को लेकर भी आज से सभी पेंशन विहीन अधिकारी कर्मचारी साथीगण अपने अपने ब्लॉक स्तर पर बैठकों का दौर जारी रखा। वही 9 फरवरी को भोपाल में पुरानी पेंशन बहाली मिशन को सफल करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की तैयारी करने जैसी आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से ग्राम ताजपुरा निवासी बैसाना संकुल जन शिक्षक गोविंद शर्मा को ब्लॉक संयोजन बनाते हुए जिलाध्यक्ष राम बाबू बिलाल द्वारा प्रमाण पत्र भेंट किया। उक्त बैठक में प्रमुख रूप से संगठन जिला संयोजक भगवान सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष राम बाबू बिलाला, रमेश चंद्र मालवीय, वारिश खान, रामचंद्र परमार, देवी सिंह नागर, भरत गोयल, मान सिंह मालवीय, राधे सिंह जाटव, रमेश कुमार अहिरवार, दौलत वर्मा, शाहिद खान, के चिरोडिया, विजय सिंह रुहेला, बलराम रुहेला, भेरलाल सुतार, सावंत सिंह ढाबी, कालूराम मालवीय, देवेंद्र सिंह गुर्जर, विक्रम सिंह परमार, आत्माराम मालवीय, जगदीश पच्चीसिया, मोहन लाल मालवीय, मान सिंह भीलाला, आयुष विभाग जिला अध्यक्ष हेमराज विश्वकर्मा, रीना बामिया, दिलीप मेहता, मनीषा सक्सेना, सुशीला सिंह, गुलाब साखेवार, रमा सक्सेना, मुकेश छायल, नारायण सिंह भीलाला, रामबाबू सोनी, रामबाबू राव, विशाल छायल, जेपी छायल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी साथीगण मौजूद थे। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। माध्यम से रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एनपीएस क्या है साथियों, एनपीएस के बारे में आप सब साथियों को अवगत करा देना चाहता हूँ। एनपीएस जो कि 10% राशि हमारी कटकर तनख्वाह में से हर महीने जाती है, यानी कि 10% सरकार मिलाती है और 10% हमारी तनख्वाह में से कटके वर्षों से कटते आ रहे हैं, जो कि लगभग 3 कंपनियों को शेयर होकर हमारा पैसा जा रहा है। हमारे माध्यम से हमने जो जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया है उसमें यह है कि उस राशि का कोई ठिकाना नहीं है साथियों। हमें लाखों रुपए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लाखों रुपए हमारे कुछ काम आएगा। उसके अगर नियम आप लोग पढ़ लोगे, नियम आप लोग समझ लोगे, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर ने सही कहा था, वो एनपीएस की राशि हमारे काम नहीं आने वाली है। हमारे साथी जो रिटायर हो चुके हैं, उन साथियों को आज भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है, ऐसे कई साथी मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके नियम ही ऐसे हैं कि वो राशि पता नहीं कौन कौन से उसमें प्राइवेट उसमें शेयर की जा चुकी है, जो कि निकालने में पसीने आ रहे हैं। एनपीएस की बात हो जाने के पश्चात